हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। टुडे इन दिस वीडियो वी गोइंग टू टेक अप अ फ्यू मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द टॉपिक एरर्स इन मेजरमेंट। कुछ और तरह के एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेजर्ड विद 3% एंड 1% एरर। फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया। जब हम लेंथ और ब्रेथ को मेजर करते हैं तो लेंथ हम मेजर करते हैं विद अ परसेंटेज एरर ऑफ मैक्सिमम 3% और ब्रेथ को मेजर करते हैं विद अ परसेंटेज एरर ऑफ 1%। हमें बताना है कि एरिया में कितना परसेंटेज एरर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दो वैल्यूज दी हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इन 200 एंड डेल्टा बी अपॉन बी इन 200, एंड वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा ए अपॉन ए इन 200। तो सबसे पहले हमें इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देखना होगा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो वी नो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नाउ अगर मैं लेफ्ट साइड लेफ्ट और राइट को दोनों से 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और आई विल गेट इट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब ये कितनी वैल्यू है? 3। और ये कितनी वैल्यू है? 1। तो मुझे मिलता है प्लस माइनस 3% प्लस 1%, और इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4%, विच इज द परसेंटेज एरर इन एरिया। सेकेंड एग्जाम्पल सेज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर वॉज मेजर्ड विद 4% एरर। जब हमने एक स्फीयर की रेडियस मेजर करी तो उसके अंदर हमें 4% तक का एरर मिला। देन द परसेंटेज एरर इन सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम विल बी। हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्फीयर की सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज एरर होगा और वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 इज इक्वल टू 4%, दैट इज द परसेंटेज एरर इन रेडियस। हमें निकालना है सबसे पहले परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr², दिस इज द सरफेस एरिया। नाउ ए और आर का रिलेशन देखना है। देखो ये कॉन्स्टेंट है, 4π इज अ कॉन्स्टेंट, सो आई कैन रिमूव इट। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 4πr² है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा कुछ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर इंटू आर। तो ये मल्टीप्लीकेशन का हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। नाउ ए उसके लिए हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज ए और बी आर ही हैं, और आई कैन राइट इट एज प्लस माइनस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। इसका मतलब इस तरीके के रिलेशन में हमारा जो आर की पार है उसको हम आगे लिख सकते हैं और साथ में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर, जो भी वो क्वांटिटी है। सो डेल्टा आर, अगर हमें डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें जो परसेंटेज एरर निकालनी है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। नाउ दिस वैल्यू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दिस इज गिवन टू बी 4%, सो आई गेट परसेंटेज एरर इन एरिया इज 8%। सेकेंड में हमें निकालना है वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³ फॉर अ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है। नाउ मैंने बोला है कि 4/3π ये कांस्टेंट है, अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है एरर कैलकुलेट करने में। मेन एरर हमारा कैलकुलेट करनी है बिकॉज ऑफ दिस आर क्यूब। सो आई कैन राइट डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, जो पार है वो आगे आ जाएगी, प्लस माइनस 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर, जिसकी पार थी। नाउ दिस, अगर मुझे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। दिस इक्वल टू प्लस माइनस 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये कितनी है वैल्यू?
अगेन दिस इज 4%, सो आई गेट 4 3 is 12, सो प्लस माइनस 12%, दिस विल बी दी परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स हैज अ रिलेशन एक्स इज इक्वल टू ए ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद 1%, 3%, 2% एंड 4% एरर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स. एक्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ए बी सी डी के साथ रिलेशन दिया हुआ है. नाउ हमें ये भी गिवन है कि ए को मेजर करने में कितनी एरर है, बी को मेजर करने में कितनी मैक्सिमम एरर है. ए की मेजरमेंट में मैक्सिमम 1% एरर हो सकती है, बी की मेजरमेंट में 3%, सी में 2% एंड डी में 4%. हमें बताना है कि एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर कितनी एरर होगी, परसेंटेज एरर बतानी है हमें. इस तरीके क्वेश्चंस के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला लगाते हैं. लेट अस सपोज ये हमारा मोस्ट जनरल फॉर्मूला है. इस केस में एरर कैलकुलेट करने के लिए हमारा सबसे जनरल फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एम टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस पी टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी. दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला. हमें नहीं फर्क पड़ता कि पी नेगेटिव है, पी क्यू नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं. हम हमेशा उनका मैग्नीट्यूड लेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे. और ये जो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइंस हैं ये सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स को एक्स इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी रूट डी मीन्स डी टू दी पावर हाफ. इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला सेम ऊपर वाला. सो आई विल गेट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एम की वैल्यू कितनी है, ए की पावर है 3, सो 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी की पावर है 2, तो 2 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी की पावर है 1, तो 1 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी एंड डी की पावर है हाफ, सो हाफ टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी. अब परसेंटेज एरर निकालनी है हमें, तो मैं इसको दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे अंदर की इंडिविजुअल टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब आई गेट 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100. इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 3%, इसकी वैल्यू है 2% एंड इसकी वैल्यू है 4%. तो मैं इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ एंड आई विल गेट परसेंटेज एरर इन एक्स एज 13%. दिस इज माई आंसर कि एक्स में कितनी परसेंटेज एरर होगी, इट विल बी 13%. एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू रेजिस्टेंसेस आर वन इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.5 ओम एंड आर टू इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलोंग विद द मैक्सिमम एरर लिमिट. हमें बताना है कि इस केस में जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी और उसमें मैक्सिमम एरर लिमिट कितनी होगी. ये हमारा सबसे जनरल फॉर्मूला है पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का, जिसमें हम अगर हम एलसीएम लेते हैं आर वन आर टू और मुझे मिलता है ऊपर आर वन प्लस आर टू, तो मेरा आर पी पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. तो सबसे पहले तो मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. और ये आर वन प्लस आर टू क्या है, दिस इज द सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस. सो आई कैन राइट आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर एस. नाउ मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा आर पी अपॉन आर पी इज इक्वल टू प्लस माइनस तीन क्वांटिटीज हैं डेल्टा आर वन अपॉन आर वन, जिस आर वन की पावर वन है तो यहाँ पर मेरा एम की वैल्यू वन होगी, प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू, एन की वैल्यू वन है,
सिमिलरली नीचे जो आ रहा है डेल्टा आर एस अपॉन आर एस, इसकी पावर भी वन है तो हमने इसका कोफिशियंट नहीं लगाया है। अब इसके लिए मेरा डेल्टा आर एस पता होना जरूरी है और आर एस पता होना जरूरी है, और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कराया है दैट डेल्टा आर एस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.9 ओम। सो इफ आई पुट ऑल द वैल्यूज हेयर आई विल गेट प्लस माइनस डेल्टा आर वन, आर वन में कितना एरर है देखते हैं, आर वन में एरर है 0.5 ओम का और आर टू में एरर है 0.4 ओम का, तो 0.5 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 100 प्लस 0.4, आर टू की वैल्यू है 200 प्लस डेल्टा आर एस कितना है 0.9 ओम, और आर एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर वन और आर टू को ऐड कर देंगे, आर वन है 100 आर टू है 200, सो आई विल गेट दिस, और मुझे आर पी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इस फॉर्मूले में अगर मैं 100 आर वन की वैल्यू 100 और आर टू की वैल्यू 200 पुट करती हूँ आई विल गेट 200 अपॉन 3 ओम, तो सारी की सारी वैल्यूज मुझे पता है, तो डेल्टा आर पी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर पी दैट इज 200 अपॉन 3 ओम इन टू द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट। अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल मैथ से ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रही हूँ, आप 1 मिनट पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आई विल गेट 60 अपॉन 6000 और इट्स इक्वल टू 1 अपॉन 100, तो मैं ब्रैकेट की वैल्यू इधर पुट करती हूँ, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, इट गेट्स कैंसल्ड, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पे मेरी जो रेजिस्टेंस आएगी उसमें एरर कितनी मैक्सिमम हो सकती है 0.67 ओम की, और आई कैन राइट आर पी इज इक्वल टू 200 अपॉन 3 प्लस माइनस 0.67 ओम, और आई कैन राइट इट एज 67.77 ओम्स, दिस विल बी माई आंसर। सो आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।